तो ये कितनी लाजवाब बनी हमारी बनाना मिल्क शेक की रेसिपी फ्रेंड्स, आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने 4 केला लिया है और 50 ग्राम चीनी, 4 बर्फ के टुकड़े और कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें पिस्ता और बादाम, हमने 3 से 4 बादाम के टुकड़े और 2 से 3 पिस्ता लिया है। तो अब हम एक जार लेंगे और सारे केले को हम डालेंगे। केले हमने फिर से वो जिसे चीनिया केला बोलते हैं पीले वाले, वही केला लिया है हमने। आप नॉर्मल केले का भी बना सकते हैं। तो केला और बर्फ़ के टुकड़े डालने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हमने 2 गिलास डाला है जो कि वेट में लगभग 500 ग्राम के आसपास होगा। तो 2 गिलास हमने दूध डाला तो इतनी से हमें लगभग 3 गिलास ये बन जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा हमने भी डाला था। और इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा से हमारा ये ग्राइंड हो रहा है। मिल्क बनाना शेक की रेसिपी बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो आप भी ये अपने घर में इस प्रकार से बनाएं। तो ये काले काले जो दिख रहे हैं वो केले के बीच में जो वो बीज वगैरह होते हैं ना, तो वही निकल रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो देखिए हमारा अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया इसे। तो अब हम इसे ग्लास में निकालेंगे सर्व के लिए। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है ये। आप इसका गाढ़ा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और गाढ़ी ज़्यादा चाहिए तो आप केले डाल सकते हैं और 1-2 केले मात्रा बढ़ा देंगे। तो अब हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे, ये बादाम के टुकड़े, और उसके बाद फिर हम पिस्ता से इसे थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा ठंडी ठंडी बिल्कुल बनाना मिल्क शेक बन के तैयार है। आप इसे फ्रिज में रख के पी सकते हैं, या तो आपके पास बर्फ़ का टुकड़ा ना हो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, या तो फिर बर्फ़ के टुकड़े से भी काम चला सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।